हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई छोटी मोटी पार्टी होती है या कोई गेस्ट आता है हमारे घर में, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, पनीर की डिश ट्राई करते हैं, क्योंकि वो रिच लुक देती है। लेकिन आज मैं आपको बिना पनीर, बिना प्याज लहसुन के बनने वाली बहुत ही शाही सब्जी, गोविंद गट्टे की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत रिच लुक देती है और बहुत ही बढ़िया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम बेसन ले लिया है और इसी से हम गट्टे बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, आधे से 1/4 स्पून लाल मिर्च, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी हल्दी और डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच घी। यहाँ मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। और डालेंगे 2 चम्मच दही और इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट, ये नॉर्मल सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे इसकी फिलिंग। तो इसके लिए मैंने थोड़ा खोया ले लिया है। अब इसमें डालेंगे किशमिश, कुछ कटे हुए काजू, और डालेंगे इसमें थोड़ी सी इलायची के दाने। आपके पास खोया ना हो तो आप केवल ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा डो भी सेट हो गया है। अब इसे हम बराबर भागों में इसकी लोई तोड़ लेंगे। अब हम एक बॉल को लेंगे और कुछ उसको इस तरीके से फैलाकर इसमें हम फिलिंग को रखेंगे। और इसको अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से रोल कर देंगे। यदि आप इस तरीके से फिलिंग नहीं भर पा रहे हैं तो आप उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें, फिर इसको बेसन की बॉल के अंदर रखकर रोल कर दें। इस तरह सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे और इनको अब हम करेंगे बॉयल। तो इसके लिए मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है। तो देखिए ये पानी बॉयल हो गया है। तो अब हम इन सभी बॉल्स को इस खौलते हुए पानी में डाल देंगे और हमें इसे 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर खुला ही बॉयल करना है। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये सारी बॉल्स ऊपर आ गई हैं। तो अब ये बॉयल हो गई हैं। अब हम इनको निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इनको रख देंगे एक साइड में। अब हम लेंगे 250 ग्राम दही और इस दही से ही हम ग्रेवी बनाएंगे। दही फ्रेश ही लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे। मसालों को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ग्रेवी का बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रब करके कसूरी मेथी
और इसको हम अच्छी तरीके से फेंट कर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। दही को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। तब देखिए दही तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड में और अब हम गट्टू को करेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैं यहाँ मैंने मीडियम हॉट ऑयल लिया है। अब हम वन बाई वन करके हम इन गट्टू को इसमें डाल देंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, केवल एक से दो मिनट ही फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा, ये गट्टे सब टाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने एक्सेस ऑयल को निकाल दिया है और दो बड़े चम्मच ऑयल छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक तेज़पात का पत्ता और एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और तीन से चार लौंग और डाल देंगे हम आधा चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा अदरक और हरी मिर्च को भी पीस लिया था, और इसको हमें तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें अपने दही का पेस्ट डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है, नहीं तो दही फट जाएगा। इसीलिए हमने सब मसाले दही में पहले से ही मिला दिए थे। नमक अभी हमें नहीं डालना है। और ये देखिए, ये दही भी अच्छे से कुक हो गया और इसने भी अपना फैट छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉल्स। और इसमें हम डालेंगे पानी। ये पानी हमने वही यूज़ किया है जिसमें हमने इन्हें गट्टों को उबाला था। अब लास्ट में डालेंगे इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको 7 से 8 मिनट तक ढककर कुक करेंगे। आप यहाँ पर इसमें काजू और किशमिश या मखाने भी डाल सकते हैं। अभी देखिए, मैंने इसमें से जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोविंद गट्टे अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इन्हें रोटी, नान, पराठे या चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।